चौवन बाईपास हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। 1 ने लौसर अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो कुचामन बाईपास पर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खाटू श्याम जी जीण माता दर्शन करके लोग आ रहे थे। 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत मौके पर ही हुई, वहीं 1 व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। 3 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। खाटू श्याम जी और जीण माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे अजमेर। ये सभी लोग सड़क हादसे की चपेट में आए और 3 लोगों की मौत हो गई। कुचामन बाईपास हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। लौसल अस्पताल में 1 व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 3 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हमारे सहयोगी निवास चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवास, कैसे हुआ यह हादसा? जी देखिए, जो कुचामन हाईवे है उसके ऊपर जीण माता खाटू श्याम जी से ये लोग दर्शन करके जा रहे थे। 6 लोग गाड़ी में सवार, कुछ महिला भी शामिल थी और गाड़ी जो है वो काफी स्पीड में बताई जा रही है। ये दर्शन कर लौट रहे जी। बिल्कुल निवास, कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार होती है वो कई बार इस तरीके के हादसों की वजह बन जाती है। तेज रफ्तार बड़ा कारण इस सड़क हादसे का। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए निवास। तो कुचामन बाईपास हाईवे पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। खाटू श्याम जी और जीण माता के दर्शन कर ये लोग वापस अजमेर लौट रहे थे और उसी दौरान इस हादसे की चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। कुचामन बाईपास पर सड़क हादसा। खाटू श्याम जी जीण माता दर्शन कर वापस लौट रहे थे सभी लोग। तेज रफ्तार कारण बताया जा रहा है। तेज रफ्तार के चलते ये सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।